साल 1891 और आज का ही दिन था। महारो के घर पैदा हुआ नाम भीम था। वो मामूली लड़का नहीं महामानव अंतिम था। पढ़ने में था तेज पर वो रास्ता कठिन था। इन बातों से था अनजान के इसका क्या हो अंजाम। ये जाति भेद और ऊंच नीच से ऊपर होता है ज्ञान। ये जाना था बस उसने और ऊपर उठने की सोची थी। उसे कक्षा के बाहर बिठा ते सोच कितनी छोटी थी। पर रुका नहीं वो डटा रहा हिम्मत को अपनी जुटा रहा। और छोटी सोच के लोगों उनके ज्ञान का सागर देखो। आज जो हक की बात तुम करते हो उसके घटना कर थे वो। शिका संगठित वहा संघर्ष कराए उनका ब्रीद था। राख कर दिया मनुवाद को जिसमें सबका हित था। ऐसा बाप मानुष था वो जिनको बाबा कहते सारे। कलम से काटी लाचारी मने हक का साठी लड़ा रे। ऐसा बाप मानुष था वो जिनको बाबा कहते सारे। कलम से काटी लाचारी मने हक का साठी लड़ा रे। तुम्हें हक का साठी लड़ा रे मने हक का साठी लड़ा रे। इन मजदूरी से छिले हुए हाथों में आपने कलम दी। भगवान ने ठुकराया फिर भी आपने हमको शरण दी। हम भूल नहीं पाएंगे के हम पानी के लिए तरसे थे। महार सत्याग्रह कर दिया बाबा सावन जैसे बरसे थे। अब बोधिसत्व आप शिल्पकार अब स्वतंत्र भारत का विचार। अब संविधान के हो विधाता जो हक दे सबको एक समान। और सम्मान की बात थी जो आप धर्म को भी ठुकरा गए थे। कर्म से अपना नाम बनाया सबके दिलों पे छा गए थे। और आज भी हो सबके दिलों में जो अन्याय के खिलाफ हो न्याय करते हो। आज भी बाबा पीड़ितों का इलाज हो आप पीड़ितों का इलाज हो आप पीड़ितों का इलाज। ऐसा बाप मानुष था वो जिनको बाबा कहते सारे। कलम से काटी लाचारी मने हक का साठी लड़ा रे। ऐसा बाप मानुष था वो जिनको बाबा कहते सारे। कलम से काटी लाचारी मने हक का साठी लड़ा रे। तुम्हें हक का साठी लड़ा रे तुम्हें हक का साठी लड़ा रे।